बागपत में जो भाषण चल रहा था, बातें तो कर रहे थे 4 साल की उपलब्धियों का, पर उनका चेहरा, उनका बॉडी लैंग्वेज ये साफ दिखा रहा था कि मोदी जी पूरी तरह से 4 साल में विफल रहे हैं। अपनी नाकामयाबियों को कामयाबियों की तरह गिनाने की कोशिश जब कर रहे थे तब ये साफ दिख रहा था कि सच्चे दिन आने वाले हैं, ये जुमलेबाज अब जाने वाले हैं। आज जहाँ पे मोदी जी का भाषण हुआ वहाँ बिल्कुल बगल में उत्तर प्रदेश में जहाँ गन्ना किसानों को अपना बकाया नहीं मिला है, किसानों के साथ वहाँ पे जो धरना पे बैठे थे उनमें से उदयवीर सिंह एक किसान, उसने दम तोड़ दिया, उनकी मृत्यु हो गई। मोदी जी एक लफ्ज उनके बारे में नहीं बोले हैं। कम से कम थोड़ी संवेदना, जहाँ पे खड़े हैं उसी जगह पे एक किसान भाजपा की सरकार की वजह से दम तोड़ देता है, तो उसके घर चले जाना चाहिए था मोदी जी को। इतना वक्त कम से कम निकाल लेते। आज गन्ना किसानों पे उन्होंने जो बातें की है, जब यूपी का चुनाव था कहा था सिर्फ 14 दिन भाजपा की सरकार बनी और मित्रों गन्ना किसानों को 14 दिन में पूरी राशि दे दूंगा। 14 दिन नहीं, 14 महीने नहीं, इतना वक्त गुजर गया। हालत क्या हुई? यूपी में जब बीजेपी की सरकार बनी गन्ना किसानों का बकाया था 5,500 करोड़ का, कम नहीं हुआ। आज 12,000 करोड़ से ज़्यादा किसानों को, गन्ना किसानों का बकाया यूपी में बाकी है और उस पर कुछ नहीं बोले। अच्छा, एक बड़ी बात कर दी, पर क्विंटल पैसे, वो किसानों का मजाक है। 1 किलो गन्ने का 5 पैसा मोदी जी कह रहे हैं कि 5 पैसा दूंगा, ऐसी मजाक करने का उनको अधिकार नहीं है। चुनाव के वक्त 4 साल पहले कहा था, भाइयों बहनों किसानों को दाम नहीं मिलता मेरा दिल जलता है, जो लागत आती है उसमें 50% ऐड कर दो, वो MSP होगी। आज हालत क्या है? MSP जो लागत आती है उतनी भी MSP नहीं है, पर उस पर उन्होंने कोई बात नहीं की। कहने लगे कि UPA में हाईवे बहुत कम बनते थे, यही मोदी गवर्नमेंट का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक रिव्यू देख लीजिए। UPA के टेन्योर में हर रोज 18 किलोमीटर हाईवे बनता था। हम करते थे कि अगर 6 लाइन भी बन रही है तो 1 किलोमीटर 6 लाइन बनी तो भी 1 किलोमीटर हम गिनते थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि अगर 4 लेन का हाईवे बना है, 1 किलोमीटर बना तो 1 multiplied by 4 माने 4 किलोमीटर बना दिया, 6 लाइन ट्रैक का बना तो 1 multiplied by 6 6 किलोमीटर बना दिया। हमने 2 किलोमीटर का बनाया है, 2 लेन है, 1 लेन उन्होंने जोड़ दी तो 3 लेन अपने खाते में गिन लेते हैं। आज जिस हाईवे की बात की है, अब किसी और का बच्चा गोद में उठा के मेरा मेरा करने वाली बात है। जिस एक्सप्रेस हाईवे का आज वो उद्घाटन करके आए, पी चिदंबरम जी ने अपने बजट भाषण में ना सिर्फ अनाउंसमेंट किया था, हर साल किस तरह से प्रावधान होगा, बजेटरी एलोकेशन भी UPA गवर्नमेंट ने इस नेशनल हाईवे का किया था। और मनमोहन सिंह जी ने दिसंबर 2011 में स्टीयरिंग ग्रुप बना के सारी कोशिशें की थी कि ताकि जो पहला फेज है वो बहुत जल्द ख़त्म हो, लैंड एक्विजिशन, फिजिबिलिटी, ये सारा काम UPA ने किया हुआ था, फंड एलोकेशन भी किया था।
इन्होंने क्या किया, चार फेज है इसमें। पहला फेज जो है निजामुद्दीन टू यूपी बॉर्डर फेज वन, वो सेक्शन वन का काम हमारे वक्त सब कुछ तय हुआ था इंक्लूडिंग फंड एलोकेशन, वो भी लेट करके इन्होंने पूरा किया और ऐसे ढोल पीट रहे हैं जैसे बहुत फास्ट काम हुआ। सेक्शन टू दिल्ली बॉर्डर टू दासना, काम शुरू नहीं हुआ है अभी तक। थर्ड सेक्शन है दासना टू हापुर, कुछ काम नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं दिया गया यहाँ। फोर्थ सेक्शन है हापुर टू मेरठ, लैंड एक्विजिशन भी पूरा खत्म नहीं हुआ है। चार सेक्शन में से एक सेक्शन जिसमें यूपीए का सबसे बड़ा योगदान है, उसको कह रहे हैं कि ये मैंने कर दिया दोस्तों। एक और बात आज उसके भाषण में हुई, एससी एसटी पे आंसू बहाते हैं, कानून कमजोर करने का काम मोदी जी और भाजपा सरकार ने किया। इनकी नीति, मोदी जी की मानसिकता एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है। मैंने आप लोगों को सबूत दिया है कि मोदी जी खुद फेक ओबीसी, नकली ओबीसी है, वो ओबीसी है ही नहीं और ना वो इनका कुछ सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब कानून बदला गया, इसका बेस कोई है तो मोदी जी की सरकार की एफिडेविट, मोदी जी की सरकार की आर्ग्यूमेंट्स कि एससी एसटी कानून उसका बिल्कुल दुरुपयोग होता है और इसी वजह से इस कानून को कमज़ोर किया गया। अगर मोदी जी राजकोट में जिस दलित के पर अत्याचार हुआ उसके लिए एक शब्द बोल देते, ऊना चले जाते, थान चले जाते, दलितों पे अत्याचार के बाद बीजेपी के नेता जो भाषण देके जायज कहते थे उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते, हम मानते कि इनकी थोड़ी सी भी मानसिकता दलितों के लिए ठीक है। आज मोदी जी ने अपने भाषण में एक और बात की, करप्शन की। अब जय शाह, पीयूष गोयल, छोटे मोदी, ललित मोदी, नीरव मोदी, मोदी जी के चहीते मेहुल चौकसी, राफेल डील, इसके बाद ये साफ हो गया है कि मोदी जी और उनकी सरकार करोड़ों से कम खाती नहीं, और कोई सच बोलता है तो सच बोलने वाले को चैन की रोटी खाने देते नहीं। करप्शन पे बोलने का इनको अधिकार नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं हुआ है तो इन्हीं के टेन्योर के दौरान हुआ है। आपके कोई सवाल होगा तो उनका स्वागत रहेगा। कम से कम माँ के साथ वफादारी होनी चाहिए। मोदी जी का आज का भाषण, कहते थे माँ गंगा ने बुलाया इसलिए वाराणसी आया हूँ, आज माँ गंगा का काम बिल्कुल विफल रहे। इसमें हमने कल ही जो बुकलेट दी है उसमें कुछ हमने आंकड़े भी दिए हैं कि आउट ऑफ 195 ओनली 18 प्रोजेक्ट, सिर्फ 18 प्रोजेक्ट, उसमें काम थोड़ा बहुत ये चार साल में हुआ है 195, और फिर भी आज ढोल पीट रहे हैं। तो माँ के नाम पे भी, गंगा माँ के नाम पे भी आज झूठ ही झूठ मोदी जी बोले हैं। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत। देखिए, भारत सरकार अपना सोशियो इकोनॉमिक सर्वे बाकायदा रिलीज करती है। यूपीए के टेन्योर में ये जो बात कर रहे हैं टोटली फ्रॉड और झूठी बात है। एक प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में जो पेश हुआ है उस डॉक्यूमेंट्स को देख ले तो पता चलेगा कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। हमारे टेन्योर में जब भी हाईवे बनता था, अगर 4 ट्रैक हो, 6 ट्रैक हो,
पर एक किलोमीटर गिना जाता था और 18 किलोमीटर पर डे बनता था। अब इन्होंने क्या किया कि अगर फोर ट्रैक रोड एक किलोमीटर बना तो वो एक नहीं गिनेंगे, उसको 4 किलोमीटर गिनते, क्योंकि 4 ट्रैक बने ना। तो ऐसी गिनती और इस तरह से सिर्फ झूठी गिनते हैं। और दूसरा, इन्होंने अगर कहीं स्टेट हाईवे है, स्टेट की गवर्नमेंट ने बनाया या हमने बनाया, यूपीए के दौरान कोई स्टेट हाईवे बना, उसको चेंज करके अगर एक लेन लगा दी या चेंज करके नेशनल हाईवे नाम दे दिया, तो वो भी अपने हिस्से में गिनते कि ये नेशनल हाईवे भी हमने बनाया। थैंक यू वेरी मच। यस, देखिए बीजेपीज पॉलिसी इज एंटी फार्मर, दे आर प्रो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, दे डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग टू पुअर फार्मर। अगर फार्मर सुसाइड करता है, सबको, अगर कोई भी लाइव क्रिएचर दुनिया में देख लो, किसी भी लाइव क्रिएचर को सबसे ज्यादा अगर पसंद होता है तो अपनी जान पसंद होती है। कोई किसान ऐसे जान नहीं देता, वो मजबूर होता है, और इसे मजबूर करने वाली बीजेपी की नीतियां हैं। आप देख लीजिए, जो यूपी में भाजपा की सरकार आई, बिजली के दाम कहां पहुंचे? गन्ना किसान अपना गन्ना दे देता है उस उम्मीद के साथ कि मोदी जी का प्रॉमिस था 14 दिन में बकाया करवा देंगे, और महीनों तक उनका बकाया नहीं होता है, 12,000 करोड़ बकाया बाकी है, जिससे किसान मरने पे मजबूर होता है। और अगर कोई ऐसी बात करता है, मैं मानता हूँ वो किसान का इंसल्ट है, इट्स अ इंसल्ट ऑफ फार्मर्स। ये देश कृषि प्रधान देश है, और ऐसी बात की कोई यहाँ जगह नहीं होती। देखिए मोदी जी 24/7 वोट बैंक पॉलिटिक्स करते हैं, वो ना एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ना उसे देश की चिंता है। राम का मरे, रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, यही इनका एक ही मकसद होता है, और इसी दिशा में काम करते हैं। आज फर्स्ट फेज वाला काम और बाकी के 3 फेज में कुछ नहीं हुआ, वो भी उस वक्त कर देते हैं इनोग्रेशन, ताकि जहां हार रहे हैं वहां जीतने की कोशिश। आज का पूरा भाषण देखो, इलेक्शन कमीशन की एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होती है, पर मॉरल एंड मोदी नेवर ट्रैवल टुगेदर, वो साथ साथ कभी नहीं चलते हैं। तो आज मॉरली तो ये होना चाहिए कि आज इसको टाल देना चाहिए, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, कल वोटिंग हो जाए उसके बाद ये प्रोग्राम हो सकता था, पर सिर्फ चुनाव हार रहे हैं तो अगले दिन लोगों को गुमराह करना, जुमले सुनाना, झूठ बोलना, यूपीए को गाली देना और एक सुनहरा ख्वाब दिखाना, ये सारी चीज सिर्फ जो बाई इलेक्शंस है वहां के वोट बैंक के पॉलिटिक्स के लिए थी। सर, नीतीश कुमार ने डायरेक्टली कहा है कि नोटबंदी फेल रही, उन्होंने बैंकर्स के मीटिंग में कहा कि बड़े बड़े लोग लोन ले रहे हैं और देश से छोड़कर भाग रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, एक सच्चाई है, जिस तरह से एक तगलकी राजा हुआ मोहम्मद तगलक, और उसने अपनी करेंसी रातों रात ऐसी बदल दी कि जनता बड़ी परेशान होगी, बहुत प्रॉब्लम्स उस वक्त आवाम ने फेस किए थे, उसी तरह एक आधी रात को मोदी जी ने भी एक डिसीजन लिया जिससे पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद हुई, काफ़ी लोग जॉबलेस हुए। तो नीतीश कुमार जी इनके अलावा उनके साथी है, पर सच सिर्फ वहाँ नहीं, विधानसभा में
बिहार में जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसमें भी लिखा गया है कि नोटबंदी की वजह से बिहार की इकोनॉमी और देश की इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट हुआ है, ये सच्चाई है। और जो भी मोदी जी के साथ हैं, कुछ लोग समझने लगे हैं, निकलने लगे हैं, इनकी डूबती नैया एनडीए की है, उसमें जितने साथी जितने जल्दी निकलेंगे देश के लिए और उनके लिए अच्छा रहेगा। All are planted and table stories. There is no problem at all in Karnataka. Even Amit Shah was waiting. He tried his best. All his money power, Modi's powers power, muscles power, but everything has failed. Karnataka mein koi problem nahi hai. Hamare jo alliance partner hai, chahe Mayawati ji ho, chahe aur log jo Karnataka mein hamare saath aaye, hum ideology ki politics karte hain. और सबको अधिकार है अपनी बात रखने का। अगर कोई ये बात करते हैं कि हम भी कहीं कोई सीट के लिए मांग करेंगे तो उसमें क्रैक नहीं है, इसमें हमारे वहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है और हम साथ मिलके देश के हित में, नॉट ओनली फॉर पावर पर इस देश के संविधान को बचाने के लिए एक आइडियोलॉजी जो इस देश को एक और अखंड रख सकती है, इसके लिए साथ है और साथ रहेंगे। Thank you.